सो हेलो एंड वेलकम गाइस। तो इस तरह के वेक्टर लोगो कैसे बना सकते हो, इस वीडियो को बस लास्ट तक देखना, काफ़ी कम समय में आप इसको बना पाओगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, क्योंकि हमारे जो वीडियोस देखते हैं 93% लोग बिना सब्सक्राइब किए ही वीडियोस देखते हैं, तो प्लीज़ आ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस, बस इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पे प्ले स्टोर पर जाना है और एक ऐप डाउनलोड करना होगा जिसका नाम है टून ऐप। तो यहाँ पे सॉरी गाइस हिंदी में लिख गया, और यहाँ पे लिख लेते हैं टून ऐप। और जैसे ही आप यहाँ पे टून ऐप लिखते हैं तो फ्रंट में मतलब जो फर्स्ट टाइम में मिलता है यहाँ पर ऊपर वाला, ये इसको इंस्टॉल करना है। बट इसकी तरह से मैं दिखा दूँ एक और है, तो हमें फर्स्ट जो सर्च में आया वो इसको ही इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पर कर लेते हैं डाउनलोड एंड इंस्टॉल। तो कुछ ही मिनट मतलब कुछ ही थोड़ा ही समय लगेगा डाउनलोड होने में, तो जल्दी से हो जाएगा। ये यहाँ पे सारे नोटिफिकेशन को हटा देते हैं। तो गाइस यहाँ पे फाइनली होने वाला है यहाँ पे डाउनलोड। तो गाइस देख सकते हैं इंस्टॉलिंग चल रही है, और इस पर जैसे ही ओपन करने के लिए आते हैं आपको ओपन कर लेना है। कुछ इसका ऐसा इंटरफेस आएगा, और यहाँ पे आपको कंटिन्यू करना है, और यहाँ पे एक लेफ्ट साइड में आएगा क्रॉस के आइकन पे क्लिक करके इसको यहाँ पे अलाउ कर लेना है। और यहाँ पे यहाँ से भी कोई फ़ोटो सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर आप अपनी गैलरी में जाके कोई भी एक फ़ोटो आपको सेलेक्ट कर लेना है जिसका भी आप एक वेक्टर लोगो बनाना चाहते हो। अब यहाँ पे नीचे जाते हैं और गैलरी में क्लिक करके मतलब अपना फ़ोटो ले लेते हैं जिसको हमें जिसका भी हमें लोगो बनाना है। तो यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे ले लेते हैं ये। तो गाइस ये तो वीडियो सिर्फ एक एग्जांपल के लिए है, बट आप अच्छे से अपने फ़ोटो को लोगो बना सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से जूम करना है आपको, और यहाँ पे ओके का जो नीचे बटन है इस तरह से आ जाएगा, और ऊपर की साइड में राइट पर क्लिक कर लेना है आपको। इसको अच्छे से सेट कर लेते हैं कितना हमें रखना है इसको, और यहाँ पे राइट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ इस टाइम चलेगा ये थोड़ा, और ये बन चुका है आपका लोगो। और यहाँ पे कंटिन्यू नहीं करना है आपको, कंटिन्यू नहीं करना है, यहाँ पे ऐड आएंगे थोड़ा इसको देख लेना, बट पे क्लोज कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर आप काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, आप चाहे जिस तरह से कर सकते हो। यहाँ पे इसी की बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हो, नीचे सारे जितने भी आ रहे हैं वो सब क्लिक कर करके देख सकते हो। आप देख सकते हो गाइस यहाँ पर कितने कलर्स वगैरह बैकग्राउंड भी चेंज हो गई है। और यहाँ पे जो आपने देखा जो मैंने वेक्टर आर्ट बना रखा है वो यही है वाला है। और इसको सेव कैसे करना है गाइस, इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहो, मैं आपको पूरा बताऊंगा मैं आपको कैसे सेव करना है इस फ़ोटो को HD में मतलब और विदाउट वाटर मार्क गाइस। तो इस वीडियो के अलावा बस लास्ट तक देखते रहो, अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो यार, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो यार सब्सक्राइब। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आप बैकग्राउंड वगैरह चेंज कर सकते हो। यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये गाइस इसको मूव कर सकते हैं, और यहाँ पे काफ़ी सारे फिल्टर्स हैं जिनको आप यूज़ करके अपने काफ़ी सारे लोगो बना सकते हो किसी भी कैटेगरी में, चाहे वो गेमिंग का चैनल हो आपका, या टेक का हो, या ब्लॉगिंग का हो। तो ये इस तरह से आएगा फ़ोटो, ये हमारा फाइनली बन चुका है। और इसको और ये जो गाइस ये ऑप्शन जो है या इरेज वाला, इसको आप कोई भी इरेज करना है तो यहाँ पे कर सकते हो, एक्स्ट्रा पार्ट जो भी आ रहा है। और ये हमारा फाइनली हो चुका है। अब इसको आपको करना सेव कैसे करना है वो आपको मैं बताने वाला हूँ। तो ऐसे ही आपको सेव नहीं करना है कि तो गैलरी मतलब सेव गैलरी में नहीं करना है, तो आपको क्या करना है बैक आना, उसके बाद एक स्क्रीन शॉट लेना है यहाँ पर। अब देखो स्क्रीनशॉट ले लेना है आपको सेव करने का लिए, और यहाँ पे जाने के बाद इसको क्रॉप कर लेना है। बस गाइस
तो आपकी अच्छी क्वालिटी में ये लोगो सेव हो जाएगा। और ये सर्कल में जो बना हुआ है इस शेप में, तो जैसे ही आप अपने यूट्यूब पर जाकर चेंज करोगे लोगो को, तो आपको सर्कल वाला ही लोगो आ जाएगा। तो आई होप आपको यार वीडियो पसंद आ रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक कर दो यार सब्सक्राइब, क्योंकि 93% यार लोग वीडियोज़ देखते हैं और सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर देना। तो काफ़ी सारे इस ऐप में फ़िल्टर्स हैं, आप इसको यूज़ करना, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और इस ऐप का भी अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं फिर ऐसे ही न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।